Hey guys, welcome to my yet another vlog. और देखिए हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए रोड ट्रिप पर. Is that road trip? Road trip. It's not a road trip. It's basically a. इसे कम विद. इसे एडवेंचरस ट्रिप आई वुड से. तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस बार इस व्लॉग में काफ़ी मस्ती होने वाली है दोस्तों. आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कौन कौन इस व्लॉग में शामिल होने वाला है. तो बने रहिए मेरे साथ और हम मिलते हैं कल सुबह आपसे एक एडवेंचरस जर्नी पर. स्टे ट्यून्ड. हम लोग गेट भूल गए कौन से गेट से हमें जाना है. देखिए ये अभी हमारा डोमेस्टिक टूर है और हम भूल गए कि हमें जाना कहाँ है एक्चुअली. सो दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ एडवेंचरस ट्रिप. तो आप जब भी एयरपोर्ट पर आए कृपया करके सुनिश्चित कर लें कि आपको कौन से गेट से बोर्डिंग करनी है. क्या खाने का मन कर रहा है आपका? कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे समोसे के साथ. नाइस कॉम्बिनेशन. कुल्हड़ वाली चाय वो भी समोसे के साथ. वाह. यहाँ पर हम लोग कैलोरी कॉन्शियस हो चुके हैं और भाई साहब को खाना है कुल्हड़ वाली चाय विद समोसा. वाह. अभी हम लोग एयरपोर्ट पर टाइम पास कर रहे हैं. हमारी बोर्डिंग को तकरीबन एक घंटा बचा हुआ है, फिर भी हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं और समझ नहीं आ रहा हमें करना क्या है. भाई साहब को खाने हैं कुल्हड़ वाला समोसा. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कुल्हड़ वाली चाय विद समोसा. बट आई थिंक इनका अंदर का जमीर जाग गया है, कहते हैं कि नहीं मैं कैलोरी कॉन्शियस पर्सन हूँ तो मुझे नहीं खाना, अब नहीं खाना. तो अभी हम लोग जरा विंडो शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे. Moments later. So guys, finally हम लोग पुणे पहुंच गए हैं और पुणे हम लोग पहुंचे तकरीबन 10:15 के आसपास. हमारी फ्लाइट 15-20 मिनट लेट. तो गाइस अभी हम लोग डिसाइड करें कि हमें डिनर में खाना क्या है. बहुत से ऑप्शन है, बिरयानी, वेज बिरयानी. नितिन भाई पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं आ रहा क्या है ये. क्या ड्रिंक है? अभी हम रुके हैं जोगेश्वरी मिसल पे, मिसल पाव खाने के लिए. महाराष्ट्र की एक्सप्रेशन कुजीन है जो हमारे मित्र ने हमें रिकमेंड करी है, जोगेश्वरी मिसल पाव. दिस इज द ओनली ऑप्शन. ये हाईवे कौन सा है? ये ओल्ड बॉम्बे पुना हाईवे पर जोगेश्वरी मिसल. अगर आप इस रूट पर रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो प्लीज स्टॉप बाय हियर. वी विल टेल देम आफ्टर वी ईट इट. लेट्स ट्राई फर्स्ट. नितिन कह रहा है कि स्पाइसी खाना चाहिए, तो आई एम इंटरेस्टेड फॉर स्पाइसी मिसल पाव. ये पब्लिक चैनल है. आई वुड लाइक टू से समथिंग बट प्रोवाइडेड इफ यू अलाउ. नो ऑन कैमरा है ये सब कहना अलाउड नहीं है. आप कैमरे के पीछे कुछ भी कहें सब चलता है. तो प्लीज नितिन इज नॉट लिसनिंग. फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है और टिपिकल महाराष्ट्र पुणे की स्पेशल मिसल पाव. तो अभी टाइम है इसको टेस्ट करने का. हमने अपने लिए थोड़ा सा स्पाइसी ऑर्डर किया है बिकॉज वी लव स्पाइसी. और ये एक तरीके की स्पेशल करी है जो आपको मैं दिखाता हूँ अपने कैमरे पर. समथिंग वेरी अमेजिंग. अभी टाइम है इसको टेस्ट करने का. मैं इसको इसमें मिलाता हूँ. Look at this. Pure spicy. So spicy food खाने वालों के लिए ये नहीं है. तो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम. और अभी बारी है इसको टेस्ट करने की. इसमें नींबू डालो और फिर जो है नॉर्मली मिसल पाव खाने का तरीका ये है कि थोड़ा डिप करके. That's the bite for you guys. Yeah. Ashok, कैसा लगा आपको taste? धुआं निकला. Nice. ये हमारे भाव है भाव. Very good. अजीत भाव. अजीत भाव हमारे अजीत भाव.
फिलहाल अब मैं आ गया हूँ बैक सीट पर, क्योंकि आई हैव टू मेक अ ब्लॉग। गाइस हम लोग निकल पड़े हैं इन खूबसूरत वादियों में से होते हुए एक अनजाने सफर पर, और हमारी मंजिल है मावल विलेज, जो कि पुणे से 60 किलोमीटर दूर है और लोनावला से 30 किलोमीटर दूर। ये एक ऑफ बीट लोकेशन है जिसको हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, और नेक्स्ट 3 डेज वी विल बी हेयर इन मावल, और हमारा जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा साई फार्म। तो फ्रेंड्स, साई फार्म एक बड़ा ही खूबसूरत रिजॉर्ट है और ये जगताप वाटरफॉल से हार्डली 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जगताप वाटरफॉल काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है मावल विलेज में, जो कि इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है। आपको लोकेशन गूगल पर भी मिल सकती है और इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अपने ब्लॉग में दे दूंगा। तो फिलहाल हम लोग अभी नेचर का लुत्फ उठाते हुए अपने सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में बड़े ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स का जो नजारा था वो बेहतरीन था। तो गाइस, रास्ते की खूबसूरती को देखकर हम लोगों ने तय किया कि हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और पहाड़ के टॉप पर जाकर थोड़ी देर वहां विश्राम करेंगे। विश्राम करने के उपरांत हम लोगों ने ये तय किया कि हम वापस अपनी मंजिल की ओर, जो कि साई फार्म था, वहाँ पर जाएंगे। फिलहाल नेचर का लुत्फ उठाते हुए हम लोग अपने सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस जगह की जो खूबसूरती मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरा उत्साह इस समय 2 गुना हो गया है।